दोस्तों, आपके भीतर छुपी हैं अनेकों चमत्कारिक परामानसिक शक्तियां। इन शक्तियों को जानकर मुक्त हो जाइए असाध्य रोगों से, ग्रहों, तांत्रिकों एवं कीटाणुओं के भय से। अचेतन मन एवं आकर्षण के नियमों से पाइए करियर, व्यवसाय एवं पढ़ाई में मनचाही सफलता एवं ऊंचाइयां। जानिए अमीर बनने के अचूक नियम। संसार और परिवार में तनाव मुक्त रहकर कैसे आत्म जागरण की ओर जाएं और जीवन को उत्सव पूर्ण बनाएं। विश्वविख्यात आध्यात्मिक दंपत्ति डॉक्टर एन.के. शर्मा एवं डॉक्टर सविता शर्मा के आंख खोल देने वाले कार्यक्रम रेकी एंड माइंड पावर में। दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम द अवेकनिंग में। द अवेकनिंग एक जगाने का कार्यक्रम है। क्या जगाना है? आपकी अपनी ही परामानसिक क्षमताओं का आपको परिचय देकर। अब एक और मैं आपकी एक अद्भुत क्षमता से परिचय करवाने जा रहा हूं कि हमारी जो तीसरी आंख है, जिसको पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं, सिक्स सेंस भी कहते हैं, या जिसको मिड ब्रेन भी कहते हैं, इस सूक्ष्म संवेदना को जब हम जान जाते हैं या सक्रिय कर देते हैं कुछ व्यायाम के माध्यम से, तो उसके बाद ये इतनी सक्रिय हो जाती है कि आप आंखें बंद करने के बावजूद भी अब नॉर्मल से ज्यादा बेहतरीन स्पीड में आप किताब पढ़ लेते हो। अब मैं जो आपके सामने एक वीडियो क्लिप बताने जा रहा हूं, हाल ही में जी न्यूज के अंदर हमारे एक कार्यक्रम प्रचारित हुए थे और इस प्रसारण में हमारे बच्चों ने ऐसे से कमाल करके दिखाए कि जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब आप इस वीडियो को देखिए कि हमारे बच्चे आंख बंद करने के बाद कितनी स्पीड से पढ़ पा रहे हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये कि अगर आंख खोलने के बाद आप इनको पढ़ने के लिए कहेंगे तो इनके पढ़ने की स्पीड बड़ी धीमी हो जाएगी, लेकिन जब आंख पे पट्टी बांध लेते हैं तो ये उससे दुगनी स्पीड में जो है किताब को पढ़ पा रहे हैं। तो आप जरा सोचिए हमारी तीसरी आंख की कितनी अद्भुत क्षमता है ये। तो सचमुच ये क्षमता कैसे होती है, आइए हम इसका एक व्यवहारिक प्रयोग इस क्लिप में देखते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि आपका बच्चा कैसे सुपर जीनियस बन सकता है और आज हम स्टूडियो में कुछ ऐसे ही बच्चों को लेकर आए हैं जो नन्ही उम्र में सुपर जीनियस हैं। आंख पर पट्टी बांध के वो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो कि बड़े बड़े लोग खुली आंखों से नहीं कर पाते। और यकीन मानिए, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये केवल विज्ञान है और अभ्यास है। आप अपने बच्चे को ऐसा कैसे बना सकते हैं ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर एन.के. शर्मा भी हैं और हमारे साथ यहाँ तुषार भी हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। और आपको फिर से बता दूं, ब्रेक के पहले हम जिन तीन बच्चों से बात कर रहे हैं वो हैं परीक्षित, मृदुल और ध्रुव। परीक्षित और मृदुल को आप देख चुके हैं, उन्होंने जो वादा किया वो आंख पर पट्टी बांध के करके दिखा दिया। अब जरा हम ध्रुव का टेस्ट करते हैं। ये किताब मेरे हाथ में, इस किताब को हम ध्रुव के हाथ में देंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि ध्रुव इस किताब को पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते। ध्रुव, क्या रखा मैंने आपके सामने? अभी तो आपका कुछ भी नहीं रखा, अभी तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रखा। आपके हाथ में रखना पड़ेगा पहले, इसको टेबल पे रख दो। मैं टेबल पे रख दूं, उसके बाद आप पढ़ पाएंगे उसको? हाँ जी। तो चलिए, ये मेरे को फिंगर लगानी पड़ेगी। आपके सामने टेबल पे रख दी एक किताब, अब आप पढ़ के बता सकते हैं इसको? ये वाला पोर्शन या फिर ये, जहाँ से आपकी इच्छा वहाँ से पढ़ना शुरू कर दी। मिरेक्युलस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अल्टीमेट हेल्थ वेल्थ एंड एनलाइटमेंट, अ डिवाइन ट्री कल्पा वृक्षा, अ डिवाइन ब्रोवाइन गोडेस कामधेनु, अलादेंस मैजिक लैम्प, अलादेंस चिराग टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स, डॉक्टर एन.के. शर्मा, ट्रांसलेटेड बाय आशुतोष गर्ग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन इस पर तो कोई ये भी सोच सकता है कि आपने इसको याद करके रखा होगा। एक काम कर दें, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसमें पेज 71 खोल दीजिए, तो क्या आप खोल सकते हैं बिना देखे? अरे आपने तो सच में खोल दिया, बहुत बढ़िया। एक काम कीजिए ना, आप इसी से पढ़ना शुरू कीजिए, पेज 71 पर क्या लिखा है।
astrology, less of mathematics, more of institute. Astrology is an ancient complex science. We all will agree that prediction of 99% astrologers are incorrect. The reasons behind this prediction and incoherency is that their prediction are mostly based on mathematics and not on institution. Earlier spiritual practice energy waves in the form of institution. बहुत बढ़िया, very good. लेकिन एक एक चीज और है, एक चीज और है. ये तो डॉक्टर शर्मा की किताब है, गलती से मेरे हाथ में आ गई. मुझे लगता है कि कहीं याद ही ना हो इनको. एक एक टेस्ट और कर लें आपके साथ. हम वहाँ किसी बच्चे से बोलें कि वो बुक लेकर आए और फिर आपसे पढ़ा के कोशिश करें. ठीक है, कोई बच्चा टेस्ट करना चाहता है ध्रुव को, हाँ. कोई भी किताब लेकर आ जाइए. आइए ले आओ, कोई बात नहीं. आइए, हाँ. चलिए एक एक टेस्ट और करते हैं आपके साथ, करते हैं. जल्दी से आ जाइए. आपका नाम क्या है? ठीक है, देखिए ये आपके लिए एक बुक लेकर आए हैं और ये चाहते हैं कि आप पढ़ के इसको और बताएं कि आप सही में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते. सबसे पहले तो एक काम कीजिए, इस बुक में आप पेज नंबर 50 खोल दीजिए. आ गया पेज नंबर 50, पक्की बात है. तो अब पेज नंबर 51 से पढ़ना शुरू कीजिए. I venture on the belief that all readers of this book are familiar with the fact that symptoms of almost any disease can be induced in hypotonic subjects by suggestion. For example, a subject in hypotonic state can develop a high temperature, flushed phase or chills. According state can develop a high temperature, flushed phase or chills according to the nature of the suggestion given by experiment. You can suggest to the person that he is paralyzed and cannot walk. It will be so. नहीं, ऐसे तो नहीं आपको दिख रहा है? नहीं. पक्का? हाँ जी. क्योंकि मुझे तो लग रहा है आप देख के पढ़ रहे हैं. नहीं. इतना तेज तो लोग देख के पढ़ पाते हैं? मैं बिना देखे इतनी तेज पढ़ता हूँ. देख के मेरे को पढ़ना बहुत धीरे धीरे आता है. अच्छा, देख के आप धीरे पढ़ते हैं? देख के नहीं पढ़ता, बिना देखे तेज पढ़ते हैं. हाँ. चलिए तो आगे पढ़ के सुनाइए. इलस्ट्रेशन, यू कैन होल्ड अ कप ऑफ कोल्ड वाटर अंडर द नोज ऑफ द हाइपोटोनिक सब्जेक्ट एंड टेल हिम दिस इज फुल ऑफ पेपर, स्मेल इट, ही विल प्रोसीड टू स्नीज. व्हाट डू यू थिंक कॉज्ड हिम टू स्नीज, द वाटर और द सजेशन? बहुत बढ़िया, वेरी गुड. तो दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा. हम ऐसी ही परामानसिक क्षमताओं के बारे में आपको बार बार जानकारी देते रहेंगे. अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है तो जरूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन है उसको पुश करें, जिससे कि हमारी वीडियो जब बनेगी तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी. तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अनोखे अद्भुत विषय आपके पास पहुंचते रहें और हम आपको जगाते रहें तो हमारे साथ जुड़े रहिए. मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं. थैंक यू वेरी मच. उठो जागो हे इंसान, अपनी शक्तियों को पहचान. उठो जागो हे इंसान, अपनी शक्तियों को पहचान. ईश्वर ने बख्शी है तुम में बिल्कुल अपनी जैसी शान. Reiki and unite the power, Reiki and